चिल्लाती हूँ ना, मैं तो कहा मेरे को तो खाना भी नहीं बनाना आता, अब तू ले। मैंने वर्स्ट पार्ट नहीं बोला है, ठीक है ना? अभी सुबह के 10 बज रहे हैं और कल शाम को 7:30 बजे वीडियो डाला था, एंड अभी सुबह के 10 बजे तक 6,000 से ज़्यादा कमेंट्स, तो मैं कुछ समझ चुका हूँ। मैंने क्वेश्चन पूछा था कि हम डेली व्लॉगिंग स्टार्ट कर दे क्या, तो अभी तो 10% 15% ऑडियंस ने ही देखा है और 6,000 से ज़्यादा कमेंट्स हो गए उस पर, तो हम समझ गए हैं कि डेली व्लॉगिंग स्टार्ट करनी है। तो भगवान का आशीर्वाद लेते हुए, जय माता दी, जय श्री राम, भगवान आशीर्वाद दो, मैं इनको खूब एंटरटेन करता रहूँ डेली व्लॉगिंग में और खूब मज़े करें हम लोग। मेरा और यशी का तो खूब ज़्यादा मन था डेली व्लॉगिंग करने का, पता नहीं कब से सोच रहे थे, तो आज फाइनली हमने फिर सोचा कि एक बार ऑडियंस से पूछ लिया जाए, और ऑडियंस की तरफ से हमसे भी डबल हाँ आया कि जल्दी से स्टार्ट करो। तो स्टार्ट हो चुकी है डेली व्लॉगिंग, मतलब अब मंडे से आपको डेली शाम को 7:30 बजे वीडियो मिलेगा। संडे को बनाया तो मंडे को व्लॉग लाइव हो जाएगा, मंडे को बनाया तो ट्यूजडे को लाइव हो जाएगा। 7:30 बजे डेली फिक्स 7:30 बजे आपको व्लॉग मिल जाएगा, कभी नहीं मिले तो मेरी डांट लगा देना। और इतने सारे कॉमेंट्स के लिए आप सभी को आई लव यू, और आप लोग कमेंट सेक्शन में आई लव यू टू मुझे बोल दीजिएगा, ठीक है? आज पहली बार ही मैंने पूरा कैमरा वगैरह माइक वगैरह लगा के ट्राइपॉड वगैरह लगा के पहली बार पूरा सेटअप खुद ने किया है, वरना हर बार हर्ष या अभिषेक में से कोई कर देता है। और हाँ, कल व्लॉग लाइव करा मैंने, हर्ष का मेरे को रात को मैसेज आता है कि भाई बगल में तो घर मेरा भी है, तू यशी के क्यों चला गया, मेरे क्यों नहीं आया? मैंने कहा चल ठीक है, अब कल तेरा बगल में ना तो कल तू आएगा मेरे पास, शायद आज हर्ष भी आएगा। मम्मी को देखते, मम्मी क्या कर रही, मम्मी चाय पी रही हो आप अकेले अकेले? गुड मॉर्निंग। आज मम्मी ने मेरे लिए अदरक वाली चाय बनाई है। इस टाइम पे हल्की सी खराश वगैरह होती है तो डर लग जाता है एकदम से, तो मैंने कहा मम्मी अदरक वाली चाय पिला दो। कल शाम को ही मम्मी ने सोने से पहले पिलाई थी और अभी सुबह भी पिला दी, और वैसे तो कुछ हुआ नहीं, हल्की सी खराश हुई थी क्योंकि अभी क्या बारिश हो गई थी परसों बहुत तेज, और रात को ठंडा मौसम हो गया था, दिन में इतनी तेज गर्मी, रात को ठंडा मौसम, तो उसकी वजह से थोड़ा सा गले में ऐसा हुआ, तो भाई थोड़ा अदरक की चाय पी, और अभी तो भाई चाय और काढ़ी से काम चलेगा बहुत अच्छे से। ये हमारे पापा की 10 साल पुरानी कार। पापा 10 साल हो गए ना इस कार को? 10 साल हो गए। आपको कुछ नहीं हुआ ना वैक्सीन लगवा के, बुखार वगैरह भी नहीं आना? नहीं, कुछ भी नहीं हुआ, एकदम सही था, एकदम फिट, एकदम फिट। मम्मी आप भी लगवा रहे हो अब जाके? मेरे नहीं लगेगी अभी, अभी तो हाँ, मम्मी तो कम उम्र की है अभी। आज क्या भिंडी बन रही है? हाँ। क्या पहन रही हो आज? आज पहन रही राजस्थानी कपड़े। आज राजस्थानी कपड़े पहनोगे, और कल क्या पहनने वाली? कल दादी, तेरी दादी की साड़ी पहनूंगी। आपके पास कहाँ से है राजस्थानी कपड़े? अभी मेरी शादी हुई उसकी तो ओढ़नी है, और लहंगा सिलाया हुआ है मैंने। मैंने ना मेरी साड़ी थी बुआ की शादी की साड़ी, बुआ की शादी की साड़ी में से उसमें से लहंगा सिलवाया है। तुमने को पैसे नहीं दिए तो मैं लहंगा गाइस पता है क्या, मैं ना जब भी पैसे देता हूँ ना, लाइक मैंने दिए 10,000 रुपीज की, लो जाओ शॉपिंग करे, तो वो 10,000 रुपीज चल ठीक है, पहले ही बोलेंगे कि मुझे साड़ी वगैरह चाहिए, मुझे पैसे दे, है ना, मैं पैसे दे दूंगा। फिर एक हफ्ते तक साड़ी नहीं आएगी, वो पैसे बोलेंगी ये कि घर में खर्च हो गए, अब मैं तो साड़ी नहीं लाई, अब मेरे को वापस पैसे दे, और वापस भी दे दूंगा तो भी रख लेती है खुद के पास, लेकिन साड़ी नहीं लेके आती, और फिर हमेशा ही बोलती रहती कि तू मुझे साड़ी नहीं दिला था। राजस्थानी कपड़े खरीद के लाऊंगी। मम्मी को बड़ा मजा आ रहा है राजस्थानी कपड़े वगैरह पहनने में। तुम्हें बोलते मम्मी ये सब लोग पहनते तो आप भी पहना करो। तो मेरे को, मैं तो देखना चाहता हूँ ना आपको कैसी लगोगी आप राजस्थानी कपड़ों में, राजस्थान में रहते हो तो राजस्थानी कपड़े तो पहनो कम से कम। हाँ तो लाऊंगी ना। नानी का पता नहीं किसको नंबर मिल गया, कहाँ से मिल गया पता नहीं, कल मौसी ने डाटा बोले कि यहाँ कोई सूरज सूरज नहीं, मैं सूरज वो नानी गाँव में है यूपी में चली गई, वो उनके पास रोज कॉल आता है, पता नहीं कौन कॉल करता है, पता नहीं किसका सूरज भी है, बात करा तो। अरे नानी को तो पता ही नहीं, उनको फोन उठाना आता है सिर्फ, उनको नहीं पता कि नंबर कौन सा सूरज का है कौन सा किसका, और मेरा नंबर तो है भी नहीं नानी के पास, उनको यार जो भी है वो परेशान मत करो यार। अभी एक बार यशी को कॉल करके पूछता हूँ कि वो क्या कर रही है, उठ गई है नहीं उठ गई, और यार वो क्या, मैंने तो ऐसे वीडियो कॉल करा, तुमने भूत भूत करके कमेंट कर दिया, मैंने तो ध्यान ही नहीं दिया उस चीज़ पर, और वो मेरे को लड़ रही है कल रात से कि बुला तो तेरे को बताती हूँ मैं आज, तुम यार पिटवाओगे मेरे को, मरवाओगे यार तुम लोग यार। स्विच ऑफ, ये कब से स्विच ऑफ रखने लगी फोन? हर्ष को कर लेता हूँ, हर्ष का नाम भी देख लो भाई किससे सेव है। हेलो भाई, व्लॉग चालू है, लाउड स्पीकर पे है फोन। अरे यार तुम मेरे बिना व्लॉग बनाने लग गए, तेरे ने चैनल अलग करा है, मैंने नहीं भाई। भाई व्लॉगिंग चालू है, मैं यही पूछ रहा था, मैंने आज से डेली व्लॉगिंग स्टार्ट कर दी, ये बता रहा था मैं तेरे को। क्या मजबूरी रही भाई, क्यों हमारी जनता को परेशान कर रहा है? मैं पूछ रहा हूँ आ रहा कब है तू घर पे? यार अभी तो क्या है, नहीं आ रहा, चल ठीक है यार, चल ठीक है ठीक है ठीक है, कल भी व्लॉग बना ले तेरे। चल ठीक है, तू बोल रहा था ना कल आने वाला है, इसलिए पूछ रहा था मैं तो। हाँ मेरा मन था, लेकिन क्या मेरे घर पे अभी कोई भी नहीं है, कोई भी नहीं घर पे, हॉस्पिटल लेके गए हुए। अच्छा अच्छा चल ठीक है ठीक है। दादी जी तबीयत ठीक नहीं है क्या? मेरा थोड़ी सी बिगड़ गई वापस कल रात को। अरे यार ध्यान रख चल दादी जी का। और हाँ वीर है, उन्हीं का वेट कर रहा हूँ अभी, है ना। चल ठीक ठीक, मुझे बताना है ना कोई हेल्प चाहिए होता है ना। बिल्कुल वीर है, कोई इशू नहीं है। चल ठीक है भाई। दादी जी की थोड़ी तबीयत खराब हो गई है हर्ष की, कल तो ठीक हो गई थी एकदम, फिर रात को वापस से थोड़ी तबीयत खराब हो गई, तो अभी वापस डॉक्टर के लेके गए उनको। दादी तो बहुत फिट फाइन है उनकी,
हर्ष की दादी अभी मतलब ऑलमोस्ट शायद 90 ईयर्स की हैं, वो 90 से भी प्लस हैं शायद, वो बहुत बूढ़ी सी हैं, लेकिन वो भी अभी हर्ष को भूख लगती है ना तो वो उठ के रोटी बना देती है, वो उनकी इतनी मतलब कि वो तीन रोटी बना देती है, तीन रोटी हर्ष खा लेता है और पेट में, वो किसी के लिए उठेगी भी नहीं वो जगह से, लेकिन हर्ष बोलता है ना तो वो रोटी बनाकर उसको खिला देती है। आज तो पहन लिया जिंदगी में पहली बार राजस्थानी आउटफिट। गाइस आज तो कमेंट करके बता दो कैसी लग रही माता जी। मुझे पहनना भी नहीं आया, पहली बार पहना इसलिए पहनना नहीं आया। अच्छा आपको पहनना भी नहीं आता। अभी एक यशी का YouTube वीडियो है जो कि गलती से मुझसे डिलीट हो गया था, उसके फ़ोन में उसने एडिट होकर करके रेडी रख रखा था और कल शाम को उसको डालना भी था, बोली यार वो वीडियो रखा हुआ है वो लाइव कर देना, उसने चेक करा तो वीडियो नहीं था, अब वो गलती से मैंने डिलीट कर दिया था, दूसरी फाइल्स डालने के चक्कर में स्टोरेज नहीं था, तो उसने कल शाम को मेरे को पहले तो बहुत डांटा, बहुत चिल्लाई, बहुत गुस्सा कर रही थी मेरे ऊपर, फिर मेरे को कल शाम को ये मिल गई, अब मैं उसको फाइल बना के दूंगा और मैं डांटूंगा उसके ऊपर। अभी तो गुस्सा तो वो है कि मैंने वो भूत भूत लिख के मैंने उसका नंबर सेव कर रखा था, तो वहाँ जाऊँगा तो समझ भी नहीं आ रहा, वो मुझे डांटेगी मैं उसको डांटूंगा, सही नाम रख रखा है मैंने तेरा भूत 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 है, तो भूत चिल्लाती रहती पूरे टाइम। अभी टाइम हो रहा है 4:15 हो रहे हैं और यशी का वीडियो लाइव कर रहा हूँ मैं, मतलब शेड्यूल कर रहा हूँ सॉरी, जो कि आज जाएगा 7:30 बजे, 7:30 बजे बेसिकली लाइव होता है इसका वीडियो, इस चैनल पे वीडियो आता है हफ्ते में एक बार, पहले यहाँ पर भी हफ्ते में एक बार आता था बट अब डेली व्लॉग स्टार्ट हो चुका है, तो जिनको भी स्किन केयर हेयर केयर के बारे में कुछ भी रेमेडीज़ वगैरह देखनी हो तो हमारे सुएस फैशन चैनल पर आप जा सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, ओके तो वहाँ पर भी सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। और अभी ये पूरा काम करके फिर उसके पास जाऊँगा यशी के पास 5 बजे के आसपास, और बिना काम करके गया तो आपको पता ना क्या मेरी हालत होगी, तो पहले काम कर लूँ फिर उसके बाद उसके पास मिलता हूँ मैं आपको सीधा। हाय भूत, तू चुप रह, तेरी वजह मेरा नंबर भूत के नाम से सेव करता, तो तेरे को बताता हूँ देख, तेरा नाम करूँगी तेरा नाम पूप के नाम से सेव करूँगी। शट अप शट अप शट अप, मैं जिस तेरी सारी कंप्लेन करेगी, तू जितना चिल्लाई थी ना कल मेरे ऊपर मैंने सब बता दिया सबको, मैं कब चिल्लाई थी, तेरा वीडियो डिलीट हो गया था सब सब कुछ बता दिया मैंने वीडियो के अंदर, अब सब सब समझ जाएंगे कि तू कैसी लड़की है। मैंने इसको बिल्कुल, तू क्या पागल है क्या, मैंने कब डांटा था, क्यों झूठ बोल रहा है, मेरे ऊपर चिल्लाया था पता है क्या, इसका अगर मैं वीडियो कुछ डिलीट कर दूं ना मेरे पे इतना तेज चिल्लाता, मैं इसको कुछ नहीं चिल्लाई, वो तो क्या मेरे जुकाम रहती तो मुझे पता नहीं, मैं वहां बैठा था आंटी वहां से उठ के आई कि क्यों चिल्ला रही है, आंटी वहीं बैठी थी, अरे झूठे, अरे झूठ बोल के कहां जाएगा बेशरम झूठे, आज तो घर में सब सो रहे हैं, कौन नहीं सो रहा घर वाले जब के रेडी हो गए हमारे नवाजुद्दीन सिद्दीकी सर, नवाजुद्दीन सर बिगुस सुनना सुनना सुनना, हाय ब्यूटीफुल, अभी किसको बोला मैंने कुछ बता सकता है, आंटी कोई बात नहीं, 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 और ये टी शर्ट किसकी है, मेरी है, ये मैं घर पे ढूंढ रहा हूँ टी शर्ट, अरे झूठ यार ये कितना बड़ा, इतना झूठ बोल के कहाँ जाएगा, तूने खुद दिया मुझे, अच्छा मैंने तो दी थी, जो इंसान ये चीज भूल सकता है वो ये भी भूल सकता है किसने क्या बोला था, आज ही नया सूट मंगा के आज ही पहन लिया, वो तेरी की चल, आपके तो फैन हो गए बहुत सारे, मेरे फैन हो गए क्या, हां आपको आपको चैनल चालू कर लेना चाहिए आंटी के साथ, एक मैं आंटी मिलके बनाएंगे ना, मेरे को तो बेटी कर ले वही बोल, मैं तो मेरे कान्हा जी के से ऐसे ही बना लेंगे, कुछ नहीं बना लेंगे, दो दो मिनट लड़ी हो गया काम, और बेटा कान्हा जी से दो मिनट लड़ लो आप बस हो गई, नहीं लड़ने के और मिलने के सब बना लेते, चाय पानी हो गया, नहीं बेटा सब अभी सब उठे हो आप लोग, नवरात्रि चल रहे हैं ना, क्या बेटा 4:30 बजे तक झूठ मत बोल रही, ये मुझे बोल रही थी सारे करके सो रहे, दो घंटे मैं काम कर रही थी, और पता नहीं शुरू में क्या काम कर रही थी, मैं वो वीडियो एडिट कर रही थी जो पहले से अपलोडेड था, ये उसको करने के लिए इसने मेरा पूरा दिमाग खा लिया, और सुन ये वीडियो पहले से इसने लाइव करवा दिया था, इसको पता भी नहीं कि मैंने वीडियो इसने लाइव करवा दिया, और तुझे पता था, तो ये मैं सबका ध्यान मैं रखूंगा, इसका नाम भूत क्यों रख रखा है, इसका नाम पूप रखूंगी, पूप का मतलब पता क्या होता है, रोज नई ड्रेस पहनते ना, ऑरेंज कलर की व्हाइट वाली ज्यादा अच्छी लगी, आज राधे राधे की है, ये कान्हा जी की मच्छरदानी है, इसमें कान्हा जी का तकिया वगैरह मसल वगैरह सब कुछ, मच्छरदानी में सोते हैं और मच्छरों के पीछे, ये अपना डेली व्लॉगिंग का पहला व्लॉग है, फाइनली लोगों ने बहुत सारे कमेंट्स किए, 7,000 से ऊपर कमेंट्स हो चुके हैं अभी तक, 7,500 से ऊपर 7,700 से ऊपर कमेंट्स आ गए, और अभी तक तो बहुत ही कम ऑडियंस ने देखा है उसको, फिर भी इतने सारे कमेंट्स, तो हमने स्टार्ट कर दिया डेली व्लॉगिंग, और आज के आज संडे है, मंडे को व्लॉग लाइव हो जाएगा, और मंडे टू फ्राइडे अगर जैसा अभी कंडीशन है कि मंडे टू फ्राइडे ओपन है और सैटरडे संडे कर्फ्यू है, तो सैटरडे संडे आपको मिलेंगे हम यहाँ पर, यहाँ पे चिड़ियाघर वाला एंटरटेनमेंट मिलेगा, तूने खुद नहीं बोला था अगर चिड़ियाघर, इसलिए मैं चिड़ियाघर बोल रहा हूँ,
और मंडे टू फ्राइडे हम लोग मिलेंगे मस्ती करते हुए फ्लैट के ऊपर। बट हाँ, अगर कोई गाइडलाइंस वगैरह चेंज नहीं होती है तो हम सोच रहे हैं कि फ्लैट पे शिफ्ट होना पड़ेगा या कैसे करना पड़ेगा, देखा जाएगा। अगर फ्लैट पे शिफ्ट हो गए, अगर फ्लैट पे शिफ्ट हो गए तो बर्तन ये धोएगी, खाना किसी को बनाना पड़ेगा, अभिषेक झाड़ू लगाएगा, ऐसे की ऐसे काम करना पड़ेगा। ये कल से मुझसे यही बात कर रही है कि देखिए सूर्य और वहाँ शिफ्ट के सोएंगे, बर्तन नहीं धो सकते। हाँ लो, हाँ अभी से नाटक चालू हो गया, इसको शिफ्ट भी होना है वहाँ पर। मैंने बोला कि ठीक है मत शिफ्ट होना, सुबह शाम पापा को बोल देना छोड़ जाएंगे कैसे भी करके, नहीं पुलिस ने पकड़ लिया तो फिर वहाँ रहना है तो फिर काम तो करना पड़ेगा, मैं पागल कर दूँगा। हाँ ठीक है, रहने मत हो शिफ्ट में, मैं और अभी हम बना लेंगे आपस में ब्लॉग। ये करेगा बर्तन और क्या बोलते हैं कपड़े, मैं बनाऊंगी खाना। तू बनाएगी खाना yeah. तो ये क्या भूखे मरेंगे? भूखे मरेंगे तुम ये आंटी ये बोल रही है। अरे चलो वरना तो बड़े गैस बिल पे फिर होगी जैसी है। मैं क्या कह रही हूं, जिया बनाएगी मम्मी जिया बनाएगी। अगर आपको क्या लगता है लॉकडाउन लग जाएगा या कैसा सीन है? लॉकडाउन नहीं करेंगे लेकिन सख्ती बढ़ा देंगे। लिया 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 क्या कार हो गई? अरे भाई तो क्या बना के लाई मीकू हमारे लिए, क्या ला के बनाई लाई है? जीरा कौन सा वाला मेरा है? अच्छा नहीं हुआ। अच्छा ये वाला आपका है? ये वाला मेरा क्या? तो तू पिटेगी, ये बहुत अच्छा बनाती हूं। कुछ सी कभी तो तूने पानी भी पिलाया क्या अपने हाथ से मेरे को कभी? पता हां फ्लैट पे पानी मांगिए ना आप, देखो गुस्सा मत। हां जल्दी से पिटो, बताओ कैसे बना, अच्छा तारीफ करनी है तेरी। चीयर्स गाइस, जलजीरे टाइम। भाई पेट वेट खराब है ना, अरे जलजीरे से कौन सा पेट खराब होता है? तेरी जमाल गोटा थोड़ी कुछ भरोसा नहीं इसमें, क्या मिला रखा। और तेरी तो मैंने यही अपडेट सुनी यहां पर कि खाना बनाती है तू, कुछ भी लाती है। और ये झूठी अफवाह फैलाई गई है मेरे लिए, इसके द्वारा क्या ग्लास रख क्या ग्लास ले भी कोई ग्लास रख क्या जल्दी मुझे हमारे डेली व्लॉग्स में जो भी हम व्लॉग डालेंगे उसमें कौन सा पार्ट आपको सबसे अच्छा लगता है उसको कमेंट करके जरूर बता दिया करिएगा। मेरा नाम लिख दो, लिख देना कोई बात नहीं। मैंने वर्स्ट पार्ट नहीं बोला है, ठीक है ना? आ रहा हूँ मैं, ठीक है ना? मेरी मम्मी का कॉल आ गया, चुपचाप घर पर जा फटाफट से, भी ज्यादा देर बहुत देर हो गई थी वहाँ गए हुए, छह बज रहे हैं मैं जा रहा हूँ और यही रखा रहो इतनी जल्दी, पूरे दिन से कॉल नहीं करा मैं तो, आगे जबरदस्ती की आ जा तेरा वो काम करने के लिए वैसे आ गया, वरना इसने फोन भी नहीं करा। सुबह मैंने फोन किया था, फोन सुझाव था तेरा, उसके बाद कॉल भी नहीं आया इसका वापस से, कॉल भी नहीं आया वापस से। फिर बताए सिर्फ मैसेज किस चीज़ के लिए आएगी, मेरा काम कर देना, मेरा वीडियो लाइव कर देना, उसके अलावा बस कोई मैसेज नहीं, कोई कॉल नहीं, कुछ नहीं। फिर मैं बस इधर आ गया और कुछ नहीं। मैं एक बात बताना चाहती हूँ, मेरी बात सुनी जाए, ये सब मेरी इमेज की ऐसी की तैसी के रूप में लगे हुए हैं, मुझे सब पता है तुम सब झूठे हो। आप सब जानते हो गाइस ये कैसी है कैसी नहीं, इसके मम्मी पापा से ही मैंने पूछवा दिया। स्नैप बनाती थी, दो मिनट में बता दूंगी। चल ठीक है मैं जाता हूँ, बाय। ओके बाय। अच्छा ब्लॉग तो यहीं पर खत्म कर देते ना। ओके गाइस, आई होप आप लोगों ने आज का ब्लॉग एंजॉय किया होगा, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय।